हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, मेथी के परांठे। और वो मेथी के परांठे कैसे कि ये मेरी आलू मेथी की सब्जी बच गई है और ये मैंने फ्रेश मेथी का ना पेस्ट बना लिया है। पीस के पत्ते धोकर अच्छी तरह से उनको पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही न्यूट्रिटिव रहेगा ये। और ये लिया है मैंने 1.5 कप आटा, 1 चम्मच नमक, अजवाइन आधा चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच जीरा है, 1 पिंच हल्दी है और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने लिया है हींग का पाउडर। अब हम इस आटे में डालेंगे 1 चम्मच घी। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब घी, ताकि उससे आटा जो है ना वो अच्छा सा चिकना हो जाए और खस्ता बने पराठे। तो घी ऑयल कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इनको मिक्स। इस तरह से हम पूरे आटे में इसको मिक्स कर लेंगे, धनिया भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यकीन मानिए, ये पराठे इतने बढ़िया लगते हैं ना कि आप ये कॉम्बिनेशन सब्जी और ये फ्रेश अपना लीव्स का, मेथी लीव्स का, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब क्या है, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। जितना जितना हमें पेस्ट चाहिएगा ना उतना हम डालते रहेंगे और इसका आटा सॉफ्ट डो लगाएंगे इसको, क्योंकि हमें भरना है ना पराठे के अंदर पिट्ठी को, तो आटा जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैं आपको आटा लगाने के बाद मिलती हूँ। ये देखिए, हमारा ये आटा जो है इस तरह से लग गया है। अब क्या है, 1 कप पेस्ट में से ना इतना सा बच गया है, ये केवल 1.5 चम्मच। तो मैं इसमें थोड़ा सा आटा मिला के और इसमें डाल लूँगी। और ये जो चिली फ्लेक्स है ना, 1 चम्मच ऑप्शनल है, ये भी मैंने सोचा इसमें ना देखने में पराठे में बहुत सुंदर लगेंगे। तो आटा लगाती हूँ। ये देखिए, आटा लग के तैयार है। और ये जो हमारी ये है ना सब्जी, इसमें जो आलू है ना, इनको हम अच्छे से ऐसे मैश कर लेंगे सारे आलू को। तो ये देखिए, हमने इसको सब्जी को अच्छे से मैश कर लिया है। आटा हमारा आधा घंटा हो गया है रखे, तो बहुत अच्छा स्मूथ हो गया है आटा भी, ये देख सकते हैं आप। और सूखा आटा हमने रख लिया है, बेलना रख लिया है, चकला रख लिया है, चिमटा पास में है, तवा रखते हैं गर्म करने के लिए और बनाते हैं बढ़िया से पराठे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक प्लेन पराठा बना के दिखाती हूँ। मैंने ये लोई तोड़ ली है, इसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इस तरह से बेल लेंगे। और जिस भी शेप में आप चाहते हैं पराठा बनाना, उस शेप में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह बनाने के बाद हल्का सा इसके अंदर लगाएंगे घी, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे इसके ऊपर और इसको मनचाही शेप में हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये भी ऐसे बना सकते हैं। इसको फिर सूखे आटे में डस्ट करेंगे, थोड़ा सा हाथ से बढ़ाएंगे ताकि ना चारों तरफ से, बीच से भी मोटा ना रहे, साइडों से भी मोटा ना रहे, और हल्के हाथ से बेलेंगे इसको, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो ये पैक अच्छे से कर लेंगे हम इसको। और देखिए, इस टाइप से बढ़ाते हुए हम इसे प्लेन पराठे को बना लेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आपके पास सब्जी है और आप इसके फ्रेश मेथी के प्लेन पराठे बनाइए, रोटी बनाइए और तब खाइए। और एक है स्टफ करके, तो इसको तवे पे डालते हैं। ये देखिए, हमने तवे पर इसको डाल दिया है, इसके सिकने की करते हैं इंतज़ार। दूसरा पराठा बेलते हैं। लोई हमने ले ली है, अब हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, बस हल्का सा बेलेंगे। आप हाथ में भी जैसे कचौरी भरते हैं ना, उस तरह से भी भर सकते हैं। इसमें से ये पिट्ठी उठाएंगे, जितनी भी आपको भरनी है, ठीक है, क्योंकि आलू अच्छे से मैश हो गया है इसके अंदर। और इसको पैक करेंगे चारों तरफ से, है ना, अच्छे से इसको पैक कर देंगे पराठे को। और ऐसे दबा के ना हम
फिर से सूखा आटा लगाएंगे थोड़ा सा, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, बीच में से अंगूठे से प्रेस करेंगे, साइड से ऐसे मुट्ठी से प्रेस करेंगे, तो ये क्या इवनली स्प्रेड होगी, जो फीलिंग होगी ना वो इवनली स्प्रेड होगी। देखिए तो एक साइड कहीं से, कभी कभी क्या होता है बीच में कच्चा आटा रह जाता है और साइडों से फीलिंग भरती नहीं है ना, इस तरह से हम बहुत हल्के हाथ से, अगर आप प्रेशर लगाएंगे ना तो मसाला बाहर निकल जाएगा, तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे 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 बीच में से बढ़ाते हुए साइडों से पतला करते हुए इस तरह से पराठा बना लेंगे, जितना भी आपको मोटा पतला खाना है। देखिए है ना मजेदार, तो बन गया बढ़िया सा पराठा। इधर हम दूसरा पराठा चेक कर लेते हैं, इधर से ये सिक गया है, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी, घी या तेल जो भी आप लगाना चाहें, दूसरी साइड से भी लगा देंगे, और देखिए कैसे ये फूला फूला पराठा बनकर तैयार है हमारा, देख रहे हैं ना आप कितना अच्छे से फूल गया है। अगर आप अच्छा सा घी लगाएंगे ना अंदर और मीडियम फ्लेम पर आप इसको सेकेंगे तो ये पराठा ऐसे फूला फूला बनेगा। वाओ, क्लोजअप करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए है ना मजेदार पराठा, चारों तरफ से सेक लीजिए अच्छे से, जैसे ये किनारा है ना हल्का सा डार्क हरा लग रहा है तो इसका मतलब पराठा जो है वो सिका नहीं है, तो मंदी आंच पे चारों तरफ से ऐसे पराठा सेकना है। और ये देखिए है ना यम्मी पराठा, तो कितने अच्छे से क्लियरली सिक गया है, और मैं आपको यहाँ पे खोल के भी दिखाती हूँ इसको ना, ये ऐसे चारों तरफ से ना बहुत अच्छे से देखिए अंदर से, तो आप ऐसा पराठा बनाएंगे ना तो बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। और ये हमने डाल दिया है अपना दूसरा पराठा, इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे, सिकने की इंतजार करेंगे, और यकीन मानिए बहुत ही यमी है। अब हम पराठे को पलट लेंगे, ये देखिए इधर से अच्छा सा ब्राउन हो गया है, इधर हमने दूसरा पराठा भी ये बेल लिया है, तो इतना पतला बेल जाता है, अगर आपने आटा सॉफ्ट रखा है ना तो आप सोचिए बहुत अच्छे से उसमें फिलिंग भरी जाती है, अदरवाइज ये सब्जी की फीलिंग अगर आपका आटा टाइट होगा ना तो नहीं भरी जा सकती, वो बार बार फटेगा, बार बार निकलेगा। तो ये टिप है, जब भी आप कोई फीलिंग के लिए पराठे का आटा लगाएं, फीलिंग भर के बनाना चाहते हैं, स्टफिंग करके बनाना चाहते हैं, उसको आप जरूर से सॉफ्ट लगाएं, आटा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। वाह, ये देखिए कितनी पतली लेयर है आटे की, है ना, फीलिंग ज्यादा है, आटे की लेयर पतली है, तो इस सर्दी में ये जरूर बनाइए, जरूर खाइए। मुझे लगता है आप पराठा देख के ना स्पेशल पहले मेथी की सब्जी बनाएंगे और फिर आप पराठा बनाएंगे, तो जरूर ये ट्राई कीजिए। वाह, तो हम इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे धीरे धीरे सेक लेते हैं, हल्का सा प्रेस करते हुए, किनारों को प्रेस करते हुए सेकेंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे। और यहां मैं आपको दिखाऊं, वाओ है ना मजेदार पराठा, देखिए कितनी पतली लेयर है इसकी ना, और अंदर स्टफिंग देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त। तो बनाएंगे आप, मक्खन से खाइए, दही से खाइए, बहुत ही यम्मी पराठा है। और ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा सिककर तैयार है, करते हैं इसकी प्लेटिंग। अब ये देखिए पराठे विद बटर, गोभी, ये गाजर और मूली का अचार, हरे धनिया की चटनी, प्लेन पराठा है वो भुजी के साथ खाइए, अगर आपको प्लेन खाना है और आपको ऐसे खाना है तो आप इस तरीके से खाइए, दही के साथ खाइए, लाजवाब पराठे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर नहीं खाएंगे तो कुछ मिस करेंगे इस विंटर में। फ्रेश ग्रीन पत्ते बच्चे नहीं खाते हैं, कड़वी मेथी नहीं खाते हैं, अगर आपको उसको डायरेक्ट ऐसे मिक्सी में पीस के आटा लगा लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो हो आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।